अस्सलाम वालेकुम किड्स, ओपन योर लैंग्वेज कॉर्पस ड्रॉ मार्जिन एंड मेंशन डेट एंड डे। आज हम करेंगे एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट टेल मोर अबाउट अ नाउन। फॉर एग्जांपल, बिस्मा वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जमील हैज़ अ न्यू फुटबॉल, दिस इज़ अ लिटिल बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इन दी सेंटेंस ब्यूटीफुल, लिटिल, न्यू, इंटेलिजेंट आर एडजेक्टिव दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन। किड्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की खूबियों को बयान करना। जो नाउन है, नाउन में जो है खूबियाँ जो होती हैं किसी की, डिस्क्राइब बयान करना, वर्ड्स टू टेल मोर अबाउट नाउन, किसी की खूबियाँ या खामियाँ बयान करना या ऐसे वर्ड को बयान करना जो नाउन में है, ठीक है। जैसे बिस्मा इज़ अ डैश ड्रेस, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। जमील हैज़ अ न्यू फुटबॉल, इसमें क्या एडजेक्टिव? न्यू। दिस इज़ अ लिटिल बॉय, इसमें क्या एडजेक्टिव? लिटिल। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, इसमें क्या है एडजेक्टिव? इंटेलिजेंट। इसके अलावा किड्स हम करेंगे, इसके अलावा हम करेंगे जी प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज हो प्रोनाउन कहलाता है। यानी सारा इज़ अ गुड गर्ल, अब नाउन है सारा, ठीक है, सारा इज़ अ गुड गर्ल लिखना ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह लिख देंगे हम शी, सारा इज़ अ गुड गर्ल, शी डज हर, सारा इज़ अ गुड गर्ल, सारा इज़ अ गुड गर्ल मतलब उसकी, सारा डज हर होमवर्क एवरी डे। हम सारा की जगह उसका नेम लिख सकते हैं, शी डज हर होमवर्क एवरी डे, मतलब सारा डज नॉट, सारा की जगह हमने लिख दिया शी डज नॉट हर होमवर्क एवरी डे। शी इज़ अ प्रोनाउन, शी एक प्रोनाउन है, इट स्टैंड नाउन ऑफ अ सारा, सारा की जगह जो है ये इस्तेमाल हुआ है। दीज आर सम प्रोनाउन्स दैट वी यूज, ये एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन की, आई, वी, मी, अस, माइन, यू, ही, शी, इट, देम, दे, हर, आवर, etc. ओके किड्स, डू होमवर्क। प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव ऑन योर लैंग्वेज कॉपीज। अल्लाह हाफिज़।